ये कब से जूती उद्योग का काम कर रहे हैं? हमका करीबन 25 साल। अच्छा, योगी सरकार ने जब से एक जिला एक उत्पाद के जूती उद्योग को लाया है, क्या आपको क्या फर्क समझ में आया? हम तो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे है वैसे बता रहे हैं। हमका कौन परिवर्तन ने कुछ लोन की सुविधा दी थी? वो लोन की दिया था तो उसमें लोन में जो लिया था तो उसमें ब्याज है उल्टा सीध शुरू हो गया था, तो हमने कहे पैसा जमा करो, हमने कहा लियो भैया हटा, 1,00,000 रुपए में कोई फर्क नहीं है, बिक्री हो या ना हो उनका पैसा पहले चाहिए। बस यही कुछ लोग होते हैं यही बोलते जानते हैं, बाकी वहाँ बोलना नहीं जानते, वहाँ मुश्किल जाता है। कहाँ कुमार, ये कब से आप जूती उद्योग का काम कर रहे हैं? मैं करीब 40-45 वर्ष से कर रहा हूँ काम, ये इसी दुकान पे कर रहा हूँ। अच्छा, ये योगी सरकार ने जब से आपके उत्पाद पे एक जिला एक उत्पाद में लाया है, तब से आपको क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी समझ में आई? कुछ नहीं साहब, कोई बढ़ोतरी नहीं। और रह गई बात लोन के लिए, उकसाया भी गया था, लोन ओन हमको मिला नहीं है, सेंक्शन कार्ड भर मिला है जो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। और बैंक गए तो बैंक के कर्मचारियों ने यानी मैनेजर ने ये कह दिया कि भाई आपको लोन नहीं मिलेगा। क्या कारण है, मैं कोई डिफाल्टर थोड़ा हूँ जो आप लोन नहीं देंगे? किस वजह से नहीं दे रहे हैं? ये तो साफ प्रशासनिक कमी हुई। और रह गई बात यहाँ दुकानों की, तो नहीं यहाँ कोई दुकान कोई सरकार दे पाई है, और केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं कि हमने इस उद्योग के लिए इतना बड़ा कारखाना खुलवा दिया, फलाना किया। दुनिया के कह देते हैं कि हमने वो जूता उद्योग के लिए वो डलवा रहे हैं, ट्रेनिंग चलवा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है साहब। ये बस ट्रेनिंग है, थोड़ी हवा हवाई है, और ये सरकार में कुछ नहीं है गरीबों के लिए। ये आपका जो है कारोबार जो है जूती उद्योग का एक जिला एक उत्पाद में आया है, किस तरह उसमें कारोबार में अंतर आया? एक जब से एक जनपद एक उत्पाद में जूती का चयन हुआ, तब से हमारा व्यापार बढ़ा है, और हम लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारी जूती को लोग जानने लगे हैं। जिस तरीके से हमारे जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जूती को, इससे हम लोगों को नवयुवा हमारे यहाँ के नवयुवा लोग भी पहनने लगे हैं, इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है और हम लोगों को बिक्री बढ़ी है। नहीं, इस समय सीजन बरसात में हम लोग बड़ा परेशान रहते थे, आज हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये कब से जूती उद्योग का काम कर रहे हैं? जूती का काम 30-35 साल से कर रहे हैं। ये जब से योगी सरकार में आपके उत्पाद एक जिला एक उत्पाद में आया है, तब से क्या कुछ बढ़ोतरी हुई आपके कारोबार? सरकार आने से, ओडीओपी में नाम आने से प्रचार प्रसार हुआ है और काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। जो लोन की सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, की सुविधा भी मिली है, लेकिन जो यहाँ की मेन समस्या है जूती की, तो सरकारी अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पा रही। सरकार क्या क्या मांग है? दुकानों की मांग है कि हमें दुकान बना के दी जाए, कहीं भी जहाँ रोड से संबंधित हो या जा सके कहीं भी मार्केट।
ये जब से योगी सरकार ने जिला एक उत्पाद में ज्योति उद्योग को लाया, क्या बढ़ोतरी हुई? इसका प्रमोशन अच्छा हो गया, लोग आने लगे, जानने लगे, ओडीओपी में जब से आ गया ऐसा नहीं बढ़ा है, काफी पहले से काफी बढ़ा। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। ये कब से ज्योति उद्योग कर रहे हैं? 2007। ये जब से योगी सरकार आई है तो आपके कारोबार में कुछ बढ़ोतरी हुई है? कारोबार में थोड़ा सा प्रचार हो गया, वीडियोग्राफी हो गई, उससे थोड़ा फोकस पड़ गया तो पब्लिक में। अच्छा, ये जो योगी सरकार ने लोन की सुविधा दी है, आपकी क्या मांग थी, कितने लोगों की? 5 लाख रुपए मांग थी हमारे, और हमने बैंक पर मतलब विभाग के थ्रू बैंक पर फाइल भेजी थी, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, हमारी बैंक की तरफ से कोई हमारे यहाँ देखने आया कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फाइल हमारी रिटर्न भेज दी गई। जब हमने पता किया कि हमारी फाइल कहाँ गई तो बताया कि रिटर्न चली गई। अरे